प्लेन में। और ये है जोधपुर एयर। वेलकम टू रिस्की ग्रुप। तो फाइनली गाइज हम पहुंच गए मुंबई एयरपोर्ट और अभी हम जा रहे हैं बोर्डिंग पास की ओर और फिर चलते हैं सीधा, आपको पूरा एयरपोर्ट घुमाएंगे। ये देखो, यहाँ आ गए हम एयरपोर्ट के अंदर की साइड। पूरे यहाँ पे आपको जो चाहिए वो मिल जाए। और आप ज़्यादातर इधर घूमोगे, इधर उधर देखोगे ना, तो आपको सेलिब्रिटी तो यूँ ही मिल जाएगी। और ये देखो बार, यहाँ अंदर बियर बार भी है, आप ड्रिंक कर सकते हो। ये देखो बार मीन्स जितनी अभी देखना, एक मैंने देखा था इधर ऑफर भी लगा हुआ है। ये देखो थ्री और तीन बियर के साथ एक बियर फ्री है, तो इंजॉय कीजिए। ड्रिंक करना तो ऐसे अच्छी बात नहीं है, सेहत के लिए हानिकारक है। पर करके ये देखो बार बार बियर बियर बार वह सब सब कुछ। ये देखो ये हमारा बोर्डिंग पास, इधर सब कुछ लिखा होता है कि मीन्स कौन सी फ्लाइट कहाँ जाएगी, कितने नंबर पर जाएगी, आपको किधर जाने का है। और इधर शॉपिंग करने का इतना अच्छा मॉल है, मुझे मीन्स आप कुछ भी शॉपिंग कर सकते हो इधर। जैसे बाहर मॉल होते हैं ना बड़े बड़े, जैसे अंदर भी सारे मॉल है, मीन्स सारे ब्रांडेड चीज़ों के मॉल है इधर। और अभी वो जो आप ज़्यादातर देखते हो ना, मीन्स ये देखो हमें किधर जाना ना, हमारी 65, ये देखो हमारी है 65 73 वाली। और ये देखो ये मशीन, देखो ये मशीन मुझे अच्छी लगी। यहाँ पे कॉइन डालो और यहाँ से आपको चिप्स वगैरह जो चाहिए वो ले लो, इधर कोई वो खड़ा नहीं रहता है। और ये देखो हम आ गए, अभी हम जोधपुर इंडिगो जोधपुर की फ़्लाइट के पास। यहाँ से जोधपुर की हमें फ़्लाइट मिलती है हमारे, और वेटिंग एरिया भी यहीं पे है और हमारी लास्ट चेकिंग भी यहीं पे होगी। ये देखो ये लाइन जा रही है, ये उसमें से हमें उधर फ्लाइट आके खड़ी होगी। और ये सारे मीन्स वो माल वाले मीन्स हमारे जैसे भी हमारा सामान होता है ना, तो वो इसके अंदर होता है, वो इसके अंदर से भरा जाता है और फिर हमें सीधा जोधपुर मिलेगा, हमारे साथ में नहीं रहता। वो ये जोधपुर का है, तो ये देखो एकदम राजस्थान का, एकदम देखो राजस्थान डेकोरेशन किया हुआ है, एकदम जैसे लुक राजस्थान जैसा लुक दिया हुआ है सब, एकदम एयरपोर्ट पे मीन्स टाइम पास के लिए थोड़ा। ये वेटिंग एरिया है, इधर से बाहर का नज़ारा देख सकते हो आप। ये देखो ऐसी बसें आती है अपन को लेने के लिए, थोड़ा दूर फ्लाइट रहती है तो ये बसें आती हैं। अभी ये होता है वोटिंग गाइस, इधर चेकिंग होती है फुल फुली रो इनकी। इधर लास्ट ही लास्ट चेकिंग है, इसके चेकिंग होने के बाद प्लेन में एंटर करते हैं। ये जोधपुर के पाली, अभी हम अब जा रहे हैं फ्लाइट के अंदर। मैं आपका इसका पूरा रिव्यू दिखाऊंगा। ये हम ना रिव्यू शायद मेरे साथ आपको कोई नहीं दिखाया होगा, तो अच्छा रिव्यू क्या है। ये अभी लास्ट चेकिंग है इसके, फिर एंटर कर रहे हैं। भाई इतना रिव्यू आपको कोई नहीं दे पाएगा, डर लगाता हूँ गाइस। अभी हम अंदर एंटर कर रहे हैं गाइस, हम अंदर एंटर कर चुके हैं गाइस। मैं अंदर से रिव्यू कर रहा हूँ, ये सीट्स होते हैं, मेरा सीट नंबर 14A है। मेरा मैंने बाहर का लोकेशन देखने के लिए मैंने विंडो सीट ली है। तो गाइस मैं अभी जितना हो सका आपको पूरा अच्छे से अच्छे रिव्यू करूँगा। वो सारे एक एक सीट के ऊपर थोड़ा थोड़ा स्पेस दिया जाता है सबको सामान रखने के लिए। ये छोटा अंदर बैग रखने के लिए होता है, बाकी बड़ा बड़ा बैग तो वापस डायरेक्ट बाहर ही आता है ये पढ़ने के लिए। वो ये पूरा बॉम्बे का एयरपोर्ट, ये देखो पीछे इंडिगो की फ्लाइट्स पड़ी है बहुत सारी, और ये इंडिगो की बसें, ये देखो ये देखो सामने दिख रही है बड़ी बड़ी, रुको जूम करके दिखाता हूँ अभी आपको। वो सारी इंडिगो की बस है, ये देखो कितनी सारी बसें चल रही हैं। मीन्स ये बसें थोड़ी यूनिक, सारी यूनिक बसें हैं और फुल्ली एयर कंडीशनर बस है वो भी। ये देखो आपका ये पूरा अभी तक पूरा बॉम्बे एयरपोर्ट ही घूम रहा है अभी तक। Thank you.
पे स्पीड पकड़ी इतनी देर तक बड़ा चकड़ा जो होला होला टिक 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 पे ऐसे ये देखो ये आप नज़ारा देख सकते हो, ये पूरा मुंबई है। ये देखो आप कितना अच्छा दिख रहा है ना ऊपर से। ये देखो ये पूरा दे देखो नीचे कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है। ये देखो ये सारी मुंबई की बिल्डिंग्स है और बाहर ऊपर से मीन्स इतना अच्छा व्यू दिख रहा है ना, देखने में इतना मज़ा आता है जैसे यहीं पर बैठे रहे यहीं पर फ्लाइट रोक के देखने लग जाए। ये देखो पीछे बिल्डिंग से अभी आगे आएगा समुद्र, आएगा पूरा समुद्र दिखेगा हमें। बाय बाय बॉम्बे। ये देखो आप देख सकते हो ये मुंबई का समुद्र है। ये देखो ये पूरा समुद्र, आगे पानी पानी, ये मुंबई पूरा ख़त्म हो गया यहाँ पे। ये हम अभी थोड़े थोड़े बादलों के अंदर जा चुके हैं। ये देखो आपको दिखा सकते हैं, ये देखो सब इतना अच्छा रिव्यू कोई नहीं देगा मेरे हिसाब से। ये देखो ये बादलों के थोड़े मीन्स थोड़े बादल नीचे हैं, थोड़े ऊपर बचे हैं, अभी देखना हम बादल से पूरे ऊपर चले जाएंगे। ये देखो ये इतना व्यू इतना अच्छा लगा ना मुझे कसम से, ऐसा लगे यहाँ पर यहीं पर मैं शूटिंग करने लग जाऊँ। ये देखो कितना अच्छा व्यू आ रहा है गाइस, पूरा एकदम ओरिजिनल, इसमें कोई एडिटिंग नहीं है। गाइस अगर आपको किसी को कुछ मंगवाना हो तो यहाँ पर देखो ये बटन प्रेस करना होता है, यहाँ पर ब्लू लाइन लगती है ऑटोमेटिक, उनको पता चल जाता है और वो पूछती है। देखो इसने वापस स्विच पर दबाया और ब्लू लाइन ऑफ हो गई, फिर हमें बताना होता क्या चाहिए, हमें चाय पानी जो भी चाहिए जो वो हमें ला के दे देंगे। ये देखो अभी वो मुझे ला के देंगे, ये देखो जो भी चाहिए उनको बता देने का वो हमें ला के दे देंगे। उधर चाय कॉफ़ी पानी सब कुछ मिलता है, बिस्किट वगैरह सब कुछ। गाइस अभी आप देख सकते हो हमारे ऊपर कोई भी बादल नहीं है, बादल से हम ऊपर आ चुके, बहुत ऊपर आ चुके हैं। अभी देखो हमारे ऊपर कोई भी बादल नहीं, एक भी बादल नहीं है। थोड़ी देर पीछे हमारे ऊपर भी बादल थे, नीचे भी बादल थे, अभी देखो आप ऊपर कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये देखो ये अभी मैं खड़ा हूँ सबसे लास्ट सीट के पास। ये देखो चाय कॉफ़ी पानी सब कुछ है, रोस्टर लेके घूम रही है। और ये देखो ये पीछे का, ये देखो ये पीछे इनके लिए स्पेस मिलता है। और इधर देखो ये एग्जिट गेट है, ये देखो इमरजेंसी के लिए इधर भी बना हुआ दोनों साइड। ये देखो इतना अच्छा रिव्यू आपको कोई नहीं दे पाएगा फ्लाइट का। ये देखो सारी सीट्स हैं। काफ़ी लोगों के सिर्फ दिमाग में यही क्वेश्चन घूमता है कि फ़्लाइट में लेटरिंग बाथरूम होते हैं, अगर होते हैं कि नहीं होते, अगर होते हैं तो कैसे होते हैं। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये सब दिखा रहा हूँ। चलिए चलते हैं। ये लो गाइस अभी हम एक घंटा पूरा हो गया, एक घंटा नहीं, एक घंटा और 20 मिनट समथिंग जैसा कुछ लिया था हम टाइम, एक घंटा बोला गया था, एक्स्ट्रा टाइम ले लिया। ये आ गया हमारा जोधपुर, पधारो म्यारे देश। बीच में थोड़ी फनी कॉमेडी होनी चाहिए। अभी देखना ये ऊपर उठेगा, हाँ उठो 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 उठो, नहीं उठा अभी, थोड़ा टाइम से उठेगा। ये आ गया हमारा जोधपुर, इसको देखो ऐसे लगता है साइड में जैसे वो पेंट कारी लगाई होती है ना फुट्टी, उस पर वो ऐसा लगता है कि प्लेन भी इधर कारी लगा चुकी है ऐसे ऐसे जगह पर छोड़ छोड़ा के। ये देखो ये हमारा जोधपुर,
ये आ गया, ये पैलेस है, वो क्या बोलते हैं, उम्मीद पैलेस होगा शायद, वही लग रहा है। ये देखो, ये देखो, बहुत ही अच्छा, कितना अच्छा नज़ारा दिख रहा है। ये हम लैंड होने वाले हैं, ये सारे जितने भी है ना, सारे झटके ओरिजिनल में इतने झटके मिलते हैं कसम से, जब लैंड होता है ये सारे झटके ओरिजिनल मिल रहे हैं। ये सारी वॉइस सब ना ओरिजिनली वॉइस है। जोधपुर में अच्छी सुविधा है, सारे बहुत सारे कर्मचारी हैं, सारे फ्लाइट अटेंड हो रहे हैं, हम भी जा रहे हैं। बाय। अभी हम जा रहे हैं, सब इधर उधर लगे हुए हैं, पर ये भाई साहब हैं वो खड़े भी नहीं हो रहे अभी, ना ही मेरे को बाहर निकलने दे रहे हैं। फाइनली गाइस, फोटो नहीं वीडियो, वीडियो भी लाऊं। फाइनली गाइस हम पहुंच गए हैं ये जोधपुर में, ये है जोधपुर एयरपोर्ट है, ये पूरा अभी पूरा छोटा है, मुझे बॉम्बे से बहुत छोटा है जोधपुर एयरपोर्ट, मुझे इतना इससे रिव्यू करने का नहीं मिला है, पर अच्छा सा ये मेरा आइटम है पूरा,